क्वेश्चन नंबर फाइव, फलन दिया है log ऑफ 1 प्लस ए एक्स माइनस log ऑफ 1 माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड इट इज लैम्डा व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। अब इसमें हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है अगर फलन जो है वो जीरो पे सतत हो या कंटिन्यूअस हो। तो फलन अगर जीरो पे कंटिन्यूअस होगा तो लिखेंगे सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, तात्पर्य फलन x इक्वल टू जीरो पर सतत है। इसका तात्पर्य यह होगा कि फलन की जो लिमिट होगी, फंक्शन की जो लिमिट होगी वो उसके वैल्यू के बराबर होगी और वैल्यू यहां पे मेंशन किया हुआ है, जीरो पे फलन का वैल्यू लैम्डा लिखा हुआ है तो लिमिट जो होगा वो वैल्यू के इक्वल होगा। तो लैम्डा इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब लिमिट में लॉग के फॉर्मेट में है लॉग ऑफ 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो लॉग का फॉर्मूला है यहां पे लॉग ऑफ 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन प्लस माइनस एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो, ये लिमिट जो है वो 1 होती है। तो यहां पे log of 1 प्लस ए एक्स है तो इसको पहले x को दोनों पदों में अलग अलग डिवाइड कर दो। अब पहले में x का गुणांक जो है वो a है और दूसरे में x का गुणांक जो है वो माइनस बी है। तो स्केलर को आप मैनेज करेंगे पहले, तो log of 1 प्लस ए एक्स अपॉन एक्स, अब इसमें a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए और दूसरे में निगेटिव साइन जो है वो सेकेंड पार्ट को दे दो, माइनस वन अपॉन एक्स है, अब इसमें बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया आपने तो ये हो गया लॉग ऑफ वन माइनस बी एक्स अपॉन माइनस बी एक्स। और जो फार्मूला इसके लिए है लॉग ऑफ वन प्लस माइनस एक्स अपॉन प्लस माइनस एक्स, दोनों चिन्ह को कंसीडर किया जाता है और इसका लिमिट जो होता है वो वन के इक्वल आता है। तो पहले खंड का भी लिमिट जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा और दूसरे हिस्से में जो लॉग फंक्शन है इसको भी फॉर्मेट पे सेट कर दिया गया तो इसका लिमिट भी 1 हो जाएगा। तो यहां पे a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 तो इसका वैल्यू आ गया a प्लस बी, अर्थात लैम्डा का वैल्यू इसमें आ गया a प्लस बी, दैट्स